हमारे इस कम्युनिकेशन टुडे की जो वेबिनार श्रृंखला है, इस तीसरी सीरीज में आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर उषा साहनी की सरस्वती वंदना से करेंगे। डॉक्टर उषा साहनी, सभी को नमस्कार, आभार, अभिनंदन। माँ शारदे के श्री चरणों में नमस्कार करने के लिए आपके सम्मुख चार पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ शारदे से निवेदन है, कोई त्रुटि हो जाए तो वे मुझे क्षमा करें। और श्रोतागण यदि महसूस करें कि मेरी वाणी में कहीं कोई ऐसी चीज आई जो आपके कानों को खूबसूरत ना लगे तो मुझे क्षमा करें। माँ शारदे को नमन करते हुए, जय 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 माँ सरस्वती, जय 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 माँ सरस्वती, ज्ञान ध्यान विज्ञान की देवी, ज्ञान ध्यान विज्ञान की देवी, सब में गुण भरती, सब में गुण भरती, जय 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 माँ सरस्वती, जय 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 माँ सरस्वती। माँ शारदे को नमन। इसी के साथ आज हम अपने तृतीय राष्ट्रीय वेबिनार, जो कि हमारे वेबिनार सीरीज का एक खूबसूरत मंच लेकर आया है, आज हम बात करने वाले हैं COVID-19 चैलेंजेस बिफोर पब्लिक रिलेशंस। हमारे साथ युवा पीढ़ी से गेस्ट स्पीकर्स जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ अनुभवी एकेडमिशियंस और मीडिया प्रोफेशनल्स का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। इस वेबिनार के विषय प्रवर्तन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर संजीव भानावत जी को, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मीडिया शिक्षा के जगत में। आप सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में अपने डिपार्टमेंट को हेड करते रहे, साथ ही आप अन्य बहुत सारी एकेडमिक एजेंसीज से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन टुडे, वो जर्नल जिसका प्लेटफॉर्म हम इस वक्त जिस पर हम आप सभी से जुड़े हुए हैं, उसे बहुत ही सफलता के साथ पिछले 23 वर्षों से चला रहे हैं। ये 24वां वर्ष है और हर्ष की बात यह है कि अगले वर्ष हम इसकी रजत जयंती मनाने वाले हैं। आपसे आग्रह करती हूँ प्रोफेसर संजीव भानावत जी, इस वेबिनार का विषय प्रवर्तन करने की कृपा करें। प्रोफेसर संजीव भानावत जी। धन्यवाद डॉक्टर उषा। श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर अजीत पाठक, नितिन जागर, राजेंद्र भानावत जी, डॉक्टर शाहिद अली, संजीव शर्मा और देश के अलग अलग अंचलों से इस वेबिनार में सहभागिता कर रहे साथीगण, हमारे इस पूरे कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी जो पृथ्वी सेंगर है, मेरी शोध विद्यार्थी, उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज किया था कि 127 रजिस्ट्रेशन अपने इस वेबिनार में हुए हैं और करीब 16 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे साथ में इस सेमिनार में जुड़ेंगे। 36 राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब और तेलंगाना, इस तरह से 17 राज्यों के प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबिनार के लिए कराया है। तो मुझे लगता है कि इन सब तकनीक के माध्यम से, यदि किन्हीं का ये म्यूट नहीं है तो माइक म्यूट है तो उसे म्यूट कर लें, और या पृथ्वी यदि मेरी बात सुन रही है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वक्ता के अलावा जो भी इसमें हो उनको वो अनम्यूट कर लें। तो हम अपने इस विचार विमर्श को देश भर में पहुंचा सकने में एक तरह से सक्षम हो रहे हैं। और आज कम्युनिकेशन टुडे जो है, ये लगभग 24 साल पुराना एक जर्नल है, तो मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विनम्र सेवाएं दे रहा है। इस कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि
जो देश के युवा मीडिया शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं, हम उनकी शोध को, उनके विचारों को कहीं एक मंच दे पाए। और लगातार 24 वर्षों से निकालना, मुझे लगता है कोई ईश्वरीय आशीर्वाद मेरे साथ था जो लगातार ये जर्नल निकल रहा है। और देश में इतने पुराने समय से लगातार निकल पाना, बहुत कम जर्नल इस तरह के होंगे। पेंडेमिक के दौर में अनायास एक विचार उभरा कि क्यों नहीं हम इसके माध्यम से मीडिया और उससे जुड़े हुए विषयों पर एक इस तरह की सीरीज शुरू करें और इसके माध्यम से नए लोगों को जोड़ें। केवल नए लोग शायद पता नहीं विषय के साथ कितना न्याय कर पाएंगे, लेकिन उसके पीछे भावना ये थी कि वो क्या सोच रहे हैं, और उनको दिशा निर्देश देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमें लगा कि क्यों नहीं हम वरिष्ठ लोगों को बुलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मीडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और अपना जीवन खपा दिया है। इसी दृष्टि से श्रद्धेय बलदेव भाई शर्मा जी, जिनका प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों में और लिटरेचर के साथ भी आपका जुड़ाव है, हमारे बीच में है। और मेरे लिए तो ये बहुत ही सुखद अनुभूति है कि लगभग 5 साल बाद साक्षात इस माध्यम से मिलना हो रहा है। 2015 में मीडिया के शिक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन, वो अपने आप में एक देश में पहला अद्भुत प्रयोग था। उस तरह के जो वहाँ लोग एकत्रित हुए थे, 18-20 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे उसमें आए थे, उसमें हमको आपका सानिध्य मिला था और मेरा पहला परिचय आपका वहां से हुआ था। हमारे साथ डॉक्टर अजीत पाठक भी हैं जो मेरे बाल सखा हैं। हम लोग जब पढ़ते थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तब से अकादमिक और पत्रकारिता की गतिविधियों के साथ बहुत सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे। और PRSI के मंच के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से एक PR मूवमेंट को देश में आगे बढ़ाया है, ये कम से कम व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी एक प्रसन्नता की बात है कि हमारे बचपन के मित्रों ने इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक जनसंपर्क का पूरा अभियान चलाया। विस्तार से उनके परिचय के बारे में बात करेंगे, किस तरह से एक पेंडेमिक के दौर में या और जो सामाजिक मुद्दों पर है वो लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा जनसंपर्क कर्मी है नितिन जागड़, जो इस समय जयपुर में ही है, और इनका भी मेरे विभाग के साथ लंबे समय तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में एसोसिएशन रहा, लगभग एक दशक का आपका अनुभव है। तो इन सब मित्रों के साथ हम विचार मंथन करेंगे। जयती कल कुछ अस्वस्थ महसूस कर रही थी, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव आए इस दौर में। अब यदि वो संभव हुआ तो ज्वाइन करेंगी, नहीं तो हम तीन वक्ताओं को सुनेंगे। वस्तुतः आज का विषय लेने के पीछे कोविड और मीडिया की भूमिका पर पिछले कुछ महीनों से बहुत जगह बात हो रही है, तो हमें लगा कि जनसंपर्क कर्मियों के सामने क्या चुनौतियां आई हैं, क्योंकि जिस समय देश में लॉकडाउन हुआ, देश क्यों बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, तो हमारे लिए मीडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी कि वो किस तरह से सारी सूचनाओं को एकत्रित करके जन जागरूकता के क्षेत्र में काम करे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हेल्थ केयर स्टाफ जो हमारा है, जिस तरह से हमारे पुलिस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिस तरह से हमारे प्रशासनिक अधिकारी जुड़े रहे इस कोरोना करने में, उसी तरह से हमारे मीडिया कर्मी भी, जिन्हें हम फ्रंटलाइन वॉरियर कहें तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, इसीलिए मीडिया को भी एसेंशियल सर्विसेज एक तरह से घोषित किया गया। तो ऐसे दौर में जब सूचनाओं के स्रोत सीमित हो गए थे, आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट स्थगित हो गई थी, उस दौर में जब वर्क फ्रॉम होम की स्थिति शुरू हो गई थी, व्यक्ति व्यक्ति से डर रहा था, आशंकाएं हो गई थी, अखबार को छूने में व्यक्ति घबरा रहा था, ऐसे दौर में देश के जनमत का मनोबल बनाए रखते हुए उन्हें, क्योंकि वो दौर था, हमें पता ही नहीं था कि हम क्या करें, एक अचानक अज्ञात योद्धा से हमारी लड़ाई हो रही है, घर से बाहर निकले लगा था कि कोरोना वायरस का आक्रमण हो जाएगा, कोविड का आक्रमण हो जाएगा, तो वो क्या तैयारी करें हम इस योद्धा से निपटने की, उसके बारे में मुझे लगता है मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से जागरूक किया। और इसी दौर में जितनी PR एजेंसीज हमारी थी, नितिन जी विस्तार से बात करेंगे, अजीत जी बात करेंगे, मुझे लगता है उन PR एजेंसीज की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, किस तरह से YouTube या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने इस तरह के छोटी छोटी फिल्में, क्रिएटिव फिल्में बना करके लोगों को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जागरूक किया, किस तरह से हाथों को धोना है, किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है, अपने उस आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखते हुए इस दिशा में विशेष भूमिका रही, किस तरह से भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मुझे लगता है अब तो PIB ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फैक्ट चेकिंग की व्यवस्था कर दी है, किस तरह से लगभग 2 महीने तक लगातार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने, ICMR के प्रतिनिधियों ने प्रतिदिन शाम को 4 बजे, दिन में 4 बजे वो मीडिया से बाकायदा बात करते थे, ऑनलाइन मीटिंग्स उनकी होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, और वो डेटा अपडेट करते थे। सरकारें, राज्य सरकारें पहले दिन में 4 बार, फिर दिन में 2-3 बार, इस तरह से आजकल सुबह शाम जो है, राजस्थान की दिन में बात करूं कि वो सारी सूचनाएं डेटा दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पीआर एजेंसीज और मीडिया के साथ मिलकर के ये जो सारी तैयारी की गई इस महामारी से निपटने के लिए, उसकी अपनी एक बहुत विशिष्ट भूमिका रही। हमारी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें, हमारा टूरिज्म, हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ने जाने कितनी ऐसी चीजें थी जिन पर इसका असर पड़ा। पत्रकारों की, जनसंपर्क कर्मियों की नौकरियों पर खतरे आए, उनके वेतन कट कर दिए गए। इन सारी चुनौतियों के बीच में किस तरह से जनसंपर्क कर्मी डटे रहे और जो उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी थी, राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी, उसका किस तरह से निर्वाह करते रहे, आज इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इतना अनुभव प्राप्त किया है, उनके साथ अपने संवाद को, विचारों को हम शेयर करें। मैं डॉक्टर उषा साहनी, जो स्वयं भी एक कवियत्री हैं, लेखिका हैं, एक साहित्यकार हैं, उनके कहानी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, उनकी भी जो एक संवेदनापरक दृष्टि है अपने आसपास के परिवेश को देखने, समझने, परखने की, और मूलतः है वो अंग्रेजी की व्याख्याता है लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से वो लिखती रही हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आगे से जो पूरा सत्र है वो इसका संचालन करें डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। गोपा बागची जी से निवेदन करूंगी कि वे अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करें। गोपा बागची जी, आपने अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रखा है, आप इसे प्लीज ठीक करें। शाहिद जी, उनसे नहीं हो रहा तो आप मदद करें। जी जी, मैं असल में दूसरी जगह बैठा हूँ। वो डिस्टर्बेंस हो रहा है पूरे इसमें। एक सेकंड। हाँ उषा जी, आप कंटिन्यू कीजिए, मेरे ख्याल शाहिद जी को बुलाइए या तो। मंच से जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथि, गेस्ट स्पीकर्स व श्रोतागण, जिस प्रकार इस वेबिनार की श्रृंखला की मुख्य संकल्पना प्रोफेसर संजीव भानावत जी के द्वारा की गई है, उसी प्रकार आज जो वेबिनार का जो विषय लिया गया है और जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस वेबिनार को एक और ऊंचाई प्रदान की है, वो नाम है शाहिद अली जी। शाहिद अली जी वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार एवं सोशल वर्क विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। लगभग 2 दशक से आप मीडिया शिक्षण से जुड़े हुए हैं। उसके पूर्व आप ईटीवी हैदराबाद में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्य कर रहे थे। डॉक्टर शाहिद अली की रिसर्च मेथोडोलॉजी इन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन विषय पर एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर शाहिद अली ग्रामीण संचार के क्षेत्र में विशेष काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आपने ट्राइबल जर्नलिज्म को प्रेरित प्रोत्साहित करने की दिशा में विशेष शोध अनुसंधान भी किया है। ट्राइबल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपकी गहरी पकड़ है। वर्तमान में आप PRSI रायपुर चैप्टर के अध्यक्ष भी हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आप अतिथि वक्ता के रूप में व्याख्यान देने के लिए भी जाते रहते हैं। कुछ समय तक आप गुरु घासीराम विश्वविद्यालय बिलासपुर में पत्रकारिता पाठ्यक्रम के समन्वयक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मैं आज आप जैसी शख्सियत का स्वागत कर अपने तृतीय राष्ट्रीय वेबिनार से जुड़े समस्त अतिथिगण व श्रोताओं का आपके द्वारा स्वागत हो इस शुभ कार्य के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है डॉक्टर शाहिद अली जी का। जी धन्यवाद डॉक्टर उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम्युनिकेशन टुडे एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसके फाउंडर एडिटर हमारे प्रोफेसर संजीव भानावत जी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के आप लंबे समय तक विभाग अध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी के इस संकल्पना के साथ पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयोजन में और विशेषकर हमारे PRSI रायपुर चैप्टर के नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय श्री अजीत पाठक जी, उनके आशीर्वाद से और हमारे विश्वविद्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ये PRSI रायपुर चैप्टर कम्युनिकेशन टुडे की थर्ड वेब सीरीज
कोविड 19 चैलेंजेस बिफोर पब्लिक रिलेशंस के वेबिनार का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें आप सभी वक्तागण यहां पर उपस्थित हैं। हम आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी आज के हमारे इस वेबिनार में मुख्य अतिथि हैं। उनके नाम से शायद ही ऐसा कोई हो जो परिचित ना हो। देश में लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकारों के रूप में पत्रकारिता को स्थापित करने में और बहुत से प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों का संपादन आपके माध्यम से हुआ है। प्रोफेसर रहे हैं और यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट में आप चेयरमैन रह चुके हैं। ऐसे हमारे सम्मानी मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। और जैसा कि प्रोफेसर संजीव भानावत जी ने कहा, हमारे परम आदरणीय PRSI के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीत पाठक जी निश्चित रूप से सच में उनसे जो प्रेरणा हमें मिलती है और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की इकाई को उन्होंने यहाँ पर गठित किया है, एक साल लगभग होने को आ रहा है। देश भर में जनसंपर्क के संगठन के रूप में, प्रमुख संगठन के रूप में PRSI का कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें राज्य भर के जिस क्षेत्र में, जिस इकाई, जिस शहर में PRSI के चैप्टर हैं, वहां पर विजयी भारत जैसा कार्यक्रम लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, सूचनाओं से संबंधित जनसंपर्क अधिकारियों को उन्हें उनकी भूमिका को लेकर लगातार एक वर्ष से काम चल रहा है और खास तौर पर कोरोना महामारी के दौरान में जनसंपर्क अधिकारी के उत्साहवर्धन में वॉरियर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं ऐसे प्रमुख आदरणीय जो इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अजीत पाठक जी का भी हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। साथ ही एनसीटी के प्रोफेसर डॉक्टर जयती शर्मा जी और PR प्रोफेशनल के रूप में हमारे सम्मानित वक्ता श्री नितिन जागर जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आज इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ ये वेबिनार की थर्ड सीरीज यहाँ पर संचालित होगी। और मैं विशेषकर प्रोफेसर संजीव भानावत जी, मैंने अपना पत्र गुरु मानता हूँ, बहुत लंबे सालों से आपके साथ में परिचय रहा है और देश में शायद ही मीडिया के क्षेत्र में जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो उनसे परिचित ना हो और उनके मार्गदर्शन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन टुडे जैसी पत्रिका जो देश की पत्रिका है, इसमें उनके से प्रकाशित होते हैं, उसको एक नया आयाम देने में प्रोफेसर संजीव भानावत जी की इस भूमिका को पूरे देश भर में सैल्यूट किया जा रहा है। मैं भी उन्हें सैल्यूट करता हूं और इस वेबिनार में उपस्थित आदरणीय श्री राजेंद्र भानावत जी, श्री गिरीश उपाध्याय जी और हमारे PRSI रायपुर चैप्टर के सेक्रेटरी श्री संजीव शर्मा जी और इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर उषा साहनी जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही हम उन तमाम देश भर से जुड़े जनसंपर्क क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी और शोधार्थी, मीडिया प्रोफेशनल्स, हम सभी का यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार से निश्चित रूप से हमारे सभी साथियों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा जी। आभार सर। इसी के साथ मुख्य अतिथि जी आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं, उनके विषय में जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं, आप सभी को सुनकर हर्ष होगा कि इस तरह का व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज वे मुख्य अतिथि के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी है,
मूलतः मथुरा जिले के रहने वाले प्रोफेसर शर्मा पिछले 35 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्वदेश, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पांचजन्य और नेशनल दुनिया जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संपादन से आपका दीर्घ जुड़ाव रहा है। पत्र पत्रिकाओं में आपके समसामयिक विषयों पर 500 से भी अधिक विचारपरक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी के विविध केंद्रों से अनेक फीचर कार्यक्रमों के साथ साथ वार्ताएं भी नियमित रूप से प्रसारित होती रहती हैं। अनेक प्रमुख टेलीविजन चैनलों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के रूप में आपकी सहभागिता सदा ही बनी हुई है। अनेक विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीयता पर लगभग 200 से अधिक व्याख्यान आपके हो चुके हैं। प्रोफेसर शर्मा की मेरे समय का भारत व आध्यात्मिक चेतना और सुगंधित जीवन शीर्षकों से दो पुस्तकें तथा हमारे सुदर्शन जी शीर्षक से उनकी एक संपादित कृति भी प्रकाशित हो चुकी है। राष्ट्रपति की ओर से उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पंडित मानिक चंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान और पंडित माधव राव सप्रे साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार इत्यादि आपको प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आपके साहित्य भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। हरियाणा के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व का यहाँ स्वागत करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। सर अनम्यूट करिए आप जी, स्वागत है सर। नमस्कार मित्रों, आवाज आ रही है उषा जी? जी सर, आवाज आ रही है सर। आज सचमुच बहुत आनंद का विषय है कि इस मंच के माध्यम से इतने ही पुराने मित्रों से संवाद करने का, उनकी आवाज सुनने का अवसर मिल रहा है। और जैसा अभी भानवत जी ने बताया, ये जो आज का विषय है कोरोना काल में जनसंपर्क की चुनौती, तो जिस बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो कोरोना काल की चुनौती को तो इस आयोजन ने ध्वस्त कर दिया। वो चुनौती बहुत बौनी साबित हो गई। कोरोना जब सबको डरा रहा है, पूरी दुनिया में एक ठहराव सा पैदा कर दिया है, उस दौर में ऐसे आयोजन जिसमें 16-16 राज्यों के लोग जुड़े हैं और निश्चिंत भाव से एक संवाद स्थापित करें, तो कोरोना को एक प्रकार से हमने हरा दिया। वो मूर्त रूप में जरूर उपस्थित है, लेकिन हमारे मन की शक्ति, हमारे संवाद की प्रक्रिया, इसने कोरोना की ताकत को निष्प्रभावी कर दिया। और आज के कार्यक्रम का जो विषय है, उस विषय का उत्तर अपने आप में इस कार्यक्रम ने दे दिया। फिर भी कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब बहुत विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं, जनसंपर्क क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले। भानवत जी का तो बहुत काम उस पर है, और बाकी अन्य लोग भी, इस प्रकार अजीत जी पूरा एक अध्यक्ष के रूप में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक पूरा तंत्र उन्होंने खड़ा किया है। ये सब आपके अनुभवशील ज्ञान का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व है। आप सब बहुत अनुभवी लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस विषय में मेरी कोई तज्ञता नहीं है, लेकिन आप सबके साथ रहकर मैं जो कुछ थोड़ा बहुत सीख सका हूँ,
उसी के आधार पर कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। मित्रों, जनसंपर्क मानव जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। आज हम जनसंपर्क या पब्लिक रिलेशन को केवल बाजार के रूप में या नौकरी के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो पब्लिक रिलेशन है, जनसंपर्क है, ये पूरे जीवन का, समाज जीवन का, मानव जीवन का आधारभूत तत्व है। और इसका मुख्य आधार है संवाद और कनेक्टिविटी। ये कुशलता प्राप्त करना, यही वास्तव में हमें सामाजिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित करता है। कनेक्टिविटी और संवाद की कला जिसने सीख ली, और ये केवल चातुर्य नहीं है, स्किल नहीं है, ये एक प्रकार से जीवन व्यवहार है। किस प्रकार हम दूसरे के साथ अपने को इस तरह कनेक्ट कर लें कि द्वैत भाव बचे ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, मनुष्य जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, परस्परम भावयंतम, एक दूसरे के हृदय में स्थित होकर कोई भेद नहीं, एकदम इतनी कनेक्टिविटी जिसे अंग्रेजी में टेलीपैथी शब्द कहते प्रयोग करते हैं कि हमने सोचा दूसरे ने समझ लिया। ये विशेषज्ञता जनसंपर्क की, पब्लिक रिलेशन की प्राप्त करना, ये जीवन का एक बहुआयामी तत्व है। इसलिए ठीक है, एक कैरियर के रूप में हमें पब्लिक रिलेशन स्किल सीखने चाहिए, अच्छी नौकरी हम कर सकें, अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसका विस्तार कर सकें, लेकिन मेरा मानना है कि हम जनसंपर्क के विद्यार्थियों को एक जीवन व्यवहार के तत्व के रूप में पब्लिक रिलेशन की शिक्षा देंगे तो मुझे लगता है कि न केवल वो अपनी नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में सफल होंगे, बल्कि वो एक अच्छे मनुष्य के रूप में भी जीवन जीने की समझ प्राप्त कर सकते। इसलिए पब्लिक रिलेशन का थोड़ा विस्तार करते हुए हमें चलना चाहिए। बाजार तो बड़ा चतुर होता है, वो आपको केवल उतनी ही बात बताता है मित्रों जितनी उसके हित में है, और बहुत चतुराई से उस तत्व को पकड़ लेता है। बाजार की इस समझ को भी हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, कितनी चतुराई से बाजार चीजों को फ्लोट करता है, और जैसा भगवान कृष्ण ने कहा परस्परम भावयंतम, तो मानवीयता की दृष्टि से नहीं, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस तरह आपके दिल में घुस जाता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, हम सब विज्ञापन देखते हैं, इससे हमारी समझ बढ़ती है क्रिएटिविटी की, हमारी समझ बढ़ती है दूसरों की संवेदनाओं को समझने की, और हमारी समझ बढ़ती है कि हम अपने आप को दूसरों के सामने किस तरह प्रस्तुत करें और अपने अपनी बात को किस तरह कम्युनिकेट करें। एक विज्ञापन अभी आजकल खूब आता है, आप देखते हो, एक किसी डिटर्जेंट का है, और उसमें एक बड़ा कार्यालय है, कोई शायद नगर निगम का या अन्य होगा, जिसमें बिल्डिंगों का अप्रूवल होता है, नक्शा पास होता है, इस तरह का कुछ। तो एक व्यक्ति आता है बड़ा गुस्से में, और वो आप देखिए कितनी बहुत मार्केट कितनी चतुराई से चीजों को पकड़ता है, इस स्किल को समझने की बहुत आवश्यकता है। पब्लिक रिलेशन केवल बुद्धि का खेल नहीं है कि हमने कुछ उसके मानक बना लिए, उनको फॉलो कर लिया, उस संवेदना को समझना। तो वो आदमी आता है और बड़े गुस्से में है, और मैडम कहाँ है, मैडम माने जहां से वो सब पास होता है, तो एक शुरू में ही महिला क्लर्क टाइप बैठी है, वो उसको कहती है कि मैडम अंदर हैं,
और फिर थोड़ा आंख के इशारे से धीरे से बोलती है, मैडम को नई साड़ियों का बड़ा शौक है। वो भनभनाता हुआ जाता है, उसके हाथ में कुछ कागज हैं और अंदर मैडम की फाइल, टेबल पर जाकर उस फाइल को बड़े गुस्से से पटकता है और कहता है, मैडम ये फाइल पास कर दीजिए, साड़ियों की दुकान खुलवा दो। मैडम एकदम उसको देखती है, लेकिन बड़ी शांत रहकर उस फाइल को धीरे से आगे सरका देती है और कहती है कि नियम पूरे होंगे तो अपने आप पास हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत। और आदमी बड़ा गुस्से में भरमाता हुआ बाहर आता है और उसी महिला के पास आकर खड़ा होता है। इतने में वो मैडम अपने केबिन से बाहर निकलकर जाती है और जाते समय वो जो बोलती है उस आदमी और उस महिला क्लर्क के पास से गुजरते हुए, वो कहती है कि साड़ी हो या उसूल, मैं उन्हें कभी मेले नहीं हूं। ये डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन जो केवल कपड़े धोता है, लेकिन आप देखिए भारतीय चेतना में उसूल, सिद्धांत, जीवन मूल्य ये बहुत गहरे गढ़े हुए हैं। मार्केट इस बात को समझता है, वो बड़ी चालाकी से कपड़ों के साथ उसूलों को जोड़ देता है। साड़ी हो या उसूल, मैं कभी मैले नहीं होने देती। ये जीवन का मर्म है मित्रों, और इसलिए जनसंपर्क को हमें कभी भी बहुत उथले तौर पर कि बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, नौकरी करनी है, उसका स्किल सीखना है, व्यवसाय जमाना है, इतना भर नहीं है कि जीवन व्यवहार का तत्व है। पब्लिक रिलेशन, इस शब्द को ही आप समझिए, पब्लिक रिलेशन भारतीय जीवन में जो सामाजिकता का संस्कार है, उस सामाजिकता के संस्कार को दृढ़ करता है, उस सामाजिकता के संस्कार को घनीभूत करने का ये तत्व है। इस व्यापक दृष्टि से अगर हम जनसंपर्क को और पब्लिक रिलेशन को समझेंगे, देखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी रहेगा और हम व्यापक स्तर पर न केवल अपने कैरियर का बल्कि अपने व्यवसाय का और अपने जीवन का प्रतिष्ठापन कर सकते। इस भावबोध को मुझे लगता है हमें इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए और मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में मीडिया शोध और मीडिया शिक्षा के विद्यार्थियों की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के दौर का, और इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और कोरोना जैसी चुनौती जिसने सारी दुनिया को ठप्प कर रखा है, उसमें इस पब्लिक रिलेशन के माध्यम से हम किस प्रकार एक दूसरे के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। ये जो जितना तकनीकी उपयोग से वेबिनार वगैरह हो रहा है, ये भी उस पब्लिक रिलेशन के सूत्र को दृढ़ करने वाला है। कितने प्रकार के आयोजन हर संस्था कर रही है, हर शैक्षणिक संस्थान कर रहा है, कितनी स्वयं से भी संगठन कर रहे हैं, ये इस चुनौती से जीतने का, इस चुनौती को परास्त करने का बहुत सशक्त मार्ग है। इस सूत्र को बनाए रखना, जीवन के, अगर हम बहुत सरल भाषा में कहें, जीवन के तार को जोड़े रहना, यही असल में पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन को केवल कैरियर तक, नौकरी तक, व्यवसाय तक हम सीमित न रखें, एक सामाजिक संस्कार को दृढ़ करने के, मानवीय चेतना को परस्पर आबद्ध करने के लिए। हमारे ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर सूक्त आया, संगच्छद्वम संबदध्वम संवो मनान से जानता। ये जो संवाद की प्रक्रिया है मित्रों, ये कम्युनिकेशन है, ये भारत में अनाद काल से मानवीय संबंधों को दृढ़ करने का आधार रहा है। ऋषियों ने ऋग्वेद में कैसा मंत्र दिया, संगच्छद्वम संबदध्वम संवो मनान से जानता, देवा भागे यथा पूर्वे संजाना न उपास। हम सब परस्पर आबद्ध रहे, कदम से कदम मिलाकर चले, हम अपने मनोभावों को
एकात्म रूप में अनुभव करें। इस प्रकार की जो दृष्टि है ये वास्तव में संवाद की प्रक्रिया को, कनेक्टिविटी को, जन संपर्क की भावना को दृढ़ करने के लिए बहुत बड़ा तत्व है। इसलिए हमें, मेरा निवेदन है, हम सब बड़े विद्वान हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्धिकता के क्षेत्र में आधुनिक जो विदेशी विद्वान हैं उनका बहुत अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, पर मेरा एक निवेदन है कि हम भारत के वांग्मय में भी उन चीजों के तत्व तलाशने का प्रयास करें, तो हमको पता चलेगा कि भारतीय जीवन दर्शन में जितनी भी आधुनिक अवधारणाएं और मान्यताएं हैं इन सबका कहीं ना कहीं बहुत गहन चिंतन किया। हम अपने विद्यार्थियों को उनसे भी रूबरू कराएं, उनका भी अध्ययन करने की प्रेरणा उनको दें। मुझे लगता है कि हम इस पब्लिक रिलेशन और जनसंपर्क के तत्व को कोरोना की चुनौती के रूप में बहुत ताकतवर बनाकर प्रस्तुत कर सकेंगे। आप सब बहुत अनुभवी लोग हैं, मुझसे बेहतर इस विषय को और व्यक्त कर सकते हैं। आप सबने इतना अच्छा आयोजन किया, इस सबके लिए पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और कम्युनिकेशन टुडे, भानावत जी, अजीत जी, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जो प्रमुख लोग वक्ता के रूप में उपस्थित हैं या इस कार्यक्रम में सहभागी हैं, ऐसे संजीव जी, शाहिद अली जी, नितिन जी, उषा जी, भानावत जी, अजीत पाठक जी, गिरीश जी, उपाध्याय, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सचमुच इतने पुराने मित्रों से मिलकर मुझे बहुत आनंद आया, आप सबका हृदय से धन्यवाद। आभार सर, आपने जो संपर्क की बात कही, मुझे तो लगता है कि आपके नाम में ही एक खूबसूरत संपर्क है, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, एक रिश्ता जुड़ गया, उस नाम में ही एक संपर्क बन गया, बहुत ही खूबसूरत नाम आपका। साथ ही आपने जो बात कही कि आपने कहा और दूसरे ने समझ लिया, परिवार की सबसे पहली जो इकाई परिवार है उसमें बहुत पहले से ही हम इस चीज को समझते आते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब परिवार में आता है, माँ बाप बिना उस बच्चे के कुछ भी कहे हुए उसकी बात को समझ जाते हैं, और बच्चा भी इतना समझदार होता है कि वो अपने माँ बाप से क्या मनवाना चाहता है उसके सारे टैंट्रम्स वो जानता है। तो संपर्क स्थापित होने वाली जो बात आपने सुंदर शब्दों में व्यक्त की वो बहुत छोटी सी इकाई से ही शुरू हो जाती है, किंतु ये भी सत्य आपने कहा कि बाजार में जब चीजें आती हैं तो उन्हें कैसे सुलझा के रखा जाए, ये जो संपर्क स्थापित हो गया है इस संपर्क को बनाए रखना चाहिए, बाजार की चीजों के साथ खो नहीं जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत वक्तव्य आपका, बहुत ही सारगर्भित, और हमें बहुत अच्छा एक रूप आपने दिखाया कि जनसंचार कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और जरूरी भी है कि इसकी पवित्रता को बनाए रखा जाए। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे श्रोताओं से आपने बातचीत की, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ पुनः। इसी के साथ हमारे युवा स्पीकर नितिन जागर जी, काफी सारी चीजें हैं आपके लिए बोलने के लिए, ब्रीफ में व्यक्त करना चाहूंगी, बाकी आपके वक्तव्य से हमें पूरा यकीन है कि वो झलक जाएगा, जैसा कि संजीव भानावत जी ने आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। आप पब्लिक रिलेशंस, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस तथा रेपुटेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोफेशनल के रूप में आप हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जनसंपर्क की अपनी ही एक दशक की यात्रा में आपने सरकारी अभियानों सहित स्वास्थ्य कर्मियों, सूचना तकनीक, वित्त, शिक्षा आदि से जुड़े हुए विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ग्राहक सेवाएं भी दी हैं। नितिन जी के व्यावसायिक व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं जो मैं बताने जा रही हूं वे हैं लीडरशिप स्किल्स, मीडिया नेटवर्किंग, क्राइसिस कम्युनिकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, पॉलिसी एडवोकेसी, एक्सीलेंट इवेंट मैनेजमेंट एंड बी टू बी रिलेशंस मैनेजमेंट फॉर द कॉर्पोरेट अफेयर्स।
वर्तमान में आप एड फैक्टर पीआर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर में ब्रांच हेड के रूप में कार्य कर रहे हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से आपने एमबीए की उपाधि प्राप्त की है, गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने एमकॉम की उपाधि प्राप्त की तथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से सोशल मीडिया इन पब्लिक रिलेशंस ऑनलाइन नॉन क्रेडिट कोर्स पूरा किया है। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती तीनों ही भाषाओं पर समान अधिकार से आप कार्य करने में सक्षम हैं। हर्ष है कि आप हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं। स्वागत करती हूं नितिन जागर जी का। धन्यवाद धन्यवाद मैडम। मैं आभारी हूं डॉक्टर बानावत का कि इस मंच पर मुझे कुछ एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ चीजें शेयर करने के लिए मुझे मौका मिला। मैं आभारी हूँ वरिष्ठ गणों का जिनके सामने मुझे कुछ मेरे विचार रखने का मौका मिलेगा। मेरी थोड़ी लैंग्वेज के अंदर अगर कुछ हिंदी में थोड़ा सा कुछ त्रुटि है तो मुझे माफ कीजिएगा। जैसे कि सब्जेक्ट दिया गया है इस सेमिनार में COVID-19 चैलेंजेस बिफोर पब्लिक रिलेशंस, मैं एक जस्ट बात करना चाहूंगा, एक बात से शुरू करना चाहूंगा कि चैलेंजेस आज COVID-19 के हैं, इसके पहले कई और सारे भी थे। तो चैलेंजेस जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं और उन चैलेंजेस में जैसे ही हम कुछ कार्य करते हैं, अपन उन चैलेंजेस से लड़ते हैं, अपने आप रास्ता मिल जाता है। तो जैसे बलदेव सर ने कहा था कि ये जो वेबिनार कर रहे हैं वही एक इस चैलेंज का एक रूप है, इस चैलेंज के सामने कि हमारी जीत हो रही है। तो मैं उसी बात से और आगे बढ़ना चाहूंगा। पब्लिक रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे जैसे मैडम भी बता रहे थे कि एक बच्चा अपनी माँ से कम्युनिकेट करता है तो उसे पता होता है कि माँ को क्या बोलना है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो प्रोफेशनली भी अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी मीडिया से कम्युनिकेट करते हैं एज अ पीआर प्रोफेशनल, तो हमें ये बखूबी पता होता है कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है और कितना करना है। सिमिलरली जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान को तो हम हमेशा प्रार्थना में भी भगवान को कम्युनिकेट करते हैं कुछ ना कुछ जो हमारे मन में होता है। सो कम्युनिकेशन ऐसा माध्यम है जहां विचार उद्भव होते हैं और उन विचारों को हम या तो भगवान को या तो माँ को या तो प्रोफेशनली लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनमें अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस के रास्ते भी निकल आते हैं। बच्चे को माँ को कभी कुछ कहने में कभी कोई चैलेंज आया होगा तो वो रास्ता निकाल देता है। भगवान को अगर हमें प्रे करने में चैलेंजेस आते हैं तो हम रास्ता निकाल देते हैं। सिमिलरली ये अगर चैलेंजेस COVID-19 के है तो हम रास्ता कैसे निकालते हैं और क्या हो रहा है अभी एग्जैक्टली इन द इंडस्ट्री, मैं उस चीजों पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। प्रोफेशनली हम कहते हैं कि देयर आर 3 C's, कंसल्टिंग, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द वर्ल्ड। तो हमारे सामने एज अ पीआर एजेंसी और एज अ पीआर प्रोफेशनल हमारे सामने क्लाइंट आता है विद अ चैलेंज कि हमें ये परेशानी है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमें ये कम्युनिकेट करना है हमारे टारगेट ऑडियंस को। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको कंसल्ट करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे टू द राइट इन्फ्लुएंसर और उसके थ्रू कम्युनिकेट होगा टू द राइट ऑडियंस। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो इस टाइम पे COVID-19 पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि काफी मीडिया हाउसेस में जो है इकोनॉमिकली इश्यूज हो रहे, चैलेंजेस आ रहे और ड्यू टू दैट काफी ओवरऑल मीडिया हाउसेस, कुछ मीडिया हाउसेस अपने सप्लीमेंट्स कम कर रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेस जो है अपना स्टाफ कम कर रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेस अपने न्यूज़पेपर भी बंद कर रहे हैं, कुछ एडिशंस बंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे तो जो कनेक्ट है
कंसल्टिंग कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जो कनेक्ट है उसका पावर शिफ्ट हो रहा है टू समवेयर एल्स। वो पावर कहाँ शिफ्ट हो रहा है? वो पावर शिफ्ट हो रहा है सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड में। तो जैसे हम कहते हैं कि कहीं कोई चैलेंजेस है तो उस चैलेंजेस के रास्ते भी है, तो पब्लिक रिलेशंस के अंदर आज की डेट में चैलेंजेस ये है कि मीडिया इज एब्सोल्यूटिंग डे बाय डे, मीडिया पावर इज शिफ्टिंग टू समवेयर एल्स एंड दैट इज सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे भी आज जर्नलिस्ट स्टोरी डेवलप करके और कम्युनिकेट कर रहा है, तो खाली मीडियम चेंज हो रहा है, मीडिया हाउसेस की जगह सोशल मीडिया ले रहे हैं, ऑनलाइन वर्चुअल मीडिया ले रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है, उसका रास्ता भी निकल के आ रहा है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कहीं और दूसरे सेक्टर की बात से इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की बात है उससे ये जोड़ के और एक मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ। अब बात करें चैलेंजेस के साथ में अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो कॉरपोरेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी है। ड्यू टू कोविड 19 इंटरनल कम्युनिकेशन एक आज की डेट में सबसे बड़ा स्कोप बन गया है फॉर पब्लिक रिलेशंस। देर आर मल्टीपल कंपनीज, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनके वहां पे एम्प्लॉयज की छटनी हो रही है, या तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे उनका इंटरनल रेवेन्यूज प्लस जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेज नहीं कर पा रहे, वहां पे एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर पब्लिक रिलेशंस के कैसे इन कंपनीज को हेल्प किया जाए और उनका डैमेज कम हो या लोगों को छटनी कम हो। ये एक मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ फॉर मैनेजिंग फॉर हेल्पिंग अदर्स। एंड वन मोर इज, इसके अलावा आप देखोगे तो जहाँ पे मीडिया इज एट अटमोस्ट चैलेंज, मीडिया भी जो है काफी सोशल मीडिया पे डेवलप कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और वीडियो प्लेटफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, सो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर मीडिया हाउसेस एज वेल। सो ये मेरे विचार हैं कुछ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन को लेके, कुछ कमर्शियल चीजों को लेके। मैं आपसे फर्दर सुनना चाहूंगा, मेरे विचारों पे आप कुछ वैलिडेशन दीजिए या थोड़ा सा गाइड कीजिए, धन्यवाद। थैंक यू नितिन जी, इट वॉज अ वंडरफुल टॉक, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, फैबुलसली डन। खेद की बात है कि हमारे साथ प्रोफेसर जयती शर्मा जी जुड़ नहीं पाए हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज होने के कारण। प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, खुश हों और अगले वेबिनार में हमारे साथ अवश्य जुड़ सकें। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं आज के वेबिनार के चेयरपर्सन प्रोफेसर अजीत पाठक जी। आपके विषय में जो मुझे बोलना है काफ़ी लंबा है और मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी, इसे ब्रीफ नहीं करना चाहती हूँ। नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर पास्ट 16 इयर्स एंड एक्स बोर्ड मेंबर इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस एसोसिएशन एंड फर्स्ट एशियन to be the secretary of the Global Alliance of Public Relations and Communications Management, which is a consortium of 65 national public relations organizations. Ex-General Manager, IC, Corporate Communications Administration, Welfare and CSR with Indian Oil Corporation Limited. Valuable experience in the Fortune Global 500 company Indian Oil Corporation in the area of public relations, branding, event management, advertising, publicity, image building, internal and external communication, administration, security, estate, ministry coordination, CSR and community welfare. A long list of awards, few I will read. Recipient of the Indira Super Achiever Award 2006 presented by Indira Group of Institutes, and really a big, big list of awards. Hats off to you, sir.
Uttarakhand State Council for Science and Technology, Dehradun, decorated Dr. Pathak for outstanding contribution in the field of science communication on 28 February 2020, recently. Indian Association Congress honored Dr. Ajit Pathak with Most Inspiring Leader Award. Brilliant, once again. Actively associated with the Chief Information Commissioner and CIC in showcasting RTI to the public at large and the media as the media advisor, Central Information Commission, unique work of explaining RTI through cartooning, recently published book on RTI, Right to Information, Realities and Perception. Meaningfully associated with academic activities and education of peer and communication. Member of the IIMC committee and the governing council of the Makhanlal Chaturvedi University, Bhopal, program director for high profile top management training programs of scope, honored by MIT University as the honorary professor in January 2018. Still, we are not completing it. We are not finishing it here. He's a poet, radio and TV news reader, and a cartoonist for a number of premier newspapers and magazines. I don't know how could you do all these things, sir. Really, n number of feathers in your cap, and fabulously impressed by the entire CV that came in front of me. It will be really exciting to listen to your inspiring words and the insight. I welcome you, Professor Ajit Pathak, to share your insightful. Professor Ajit Pathak, are you able to listen to us? So can you listen to me? I welcome you to share your views and ideas, sir. So probably the volume is very low. Probably you need to increase the volume. अजीत जी, सुन पा रहे हैं हमको आप? सर, आपका ईयरफोन किससे कनेक्टेड है सर? अजीत सर, आई थिंक ईयरफोन इज कनेक्टेड टू योर मोबाइल. नो, वी कांट लिसन. उषा जी, राजेंद्र बानावत बोल रहा हूँ. वो ये लिख रहे हैं मैसेज चैट बॉक्स में है कि ही वांट्स टू शेयर द ब्रीफ प्रेजेंटेशन, सो मे बी ही इज ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन और समथिंग. तो ये लिखा हुआ आ रहा है उनके चैट बॉक्स में. ये आवाज, ओके, आई कांट सी. ओके, देन वुड लाइक टू शेयर अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन. ऑलराइट सर, प्लीज गो अहेड सर, यू नीड टू शेयर योर स्क्रीन देन. So maybe your phone is not working up. Your phone hata ke dekhiye, probably we can listen to you then. Something is wrong. So can you connect with your mobile? Usheriya, phone karke pooch lijiye unko, agar alag se phone number hai aapke paas. फोन उठा नहीं रहे, सब फोन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो. अच्छा,
नहीं या फिर चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल के देख लेगा आपकी आवाज किसी को आने रही है उनकी, ताकि उनको पता ही नहीं होगा, वो समझ रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं और उनको पता ही नहीं हो, ये भी हो सकता है आवाज, एक मैसेज डाल दे उनके बॉक्स में। वीडियो ऑफ है या ऑन है, मतलब ये नहीं समझ आ रहा फोटोग्राफ है या वीडियो है इनका? नहीं सर वीडियो है, वी कैन सी हिज मूवमेंट्स। सर मैं उनको फोन कर रहा हूँ, कनेक्ट हो रहे हैं बट वॉइस नहीं आ रही उधर से। चलिए जब तक नहीं सर विदाउट ईयरफोन अगर ट्राई करें तो, विदाउट ईयरफोन ट्राई करें। अपन ऐसा करते हैं जब तक वो तकनीकी समस्या का समाधान होता है तो हमारे में से कोई और मित्र यदि अपनी बात कहना चाहें तो उनको बुला लेते। अच्छा फोन पे आ रहे हैं, अजीत जी का मैसेज आ गया है। हाँ इट विल बी बेटर अगर वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं तो। संजीव जी लगता है कोरोना से जितना आसान है इससे जितना मुश्किल है समस्या। मुझे लगता है कुछ वो टेक्निकल कोई दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है पता नहीं ना, वो रेस्पॉन्ड भी नहीं। अजीत सर के आप वापस इसको मीटिंग को छोड़कर दोबारा अगर अटेंड करें तो प्रोबेबली इट कैन वर्क, दिस इज आवर जुगाड़ थिंग यू नो व्हाट वी ट्राई, एक बार कोशिश करिए शायद वर्क कर जाए। नहीं इनको रिक्वेस्ट करिए, प्रेजेंटेशन के चक्कर में नहीं पड़ा वैसे बात कर रहे हैं ज्यादा ठीक है, उसमें दिक्कत आ रही है, ये भी हो सकता है। इनको मैसेज कर दो कि वैसे ही अपना वक्त भी दे दें यार। कोरोना में कम्युनिकेशन की ये दिक्कत है, हम लोग कुछ कहना चाह रहे हैं जनता तक बात पहुंचती नहीं है ना, तो सरकार समझती है हमने सब कह दिया लेकिन जनता तक नहीं पहुंचती बात। लेट्स सी एंड वी वर एक्चुअली वी वर एक्साइटेड टू लिसन टू हिम। कनेक्टिविटी होती है तो मानव जी आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ सर, उषा जी, जी जी सर, जी शाह जी, हाँ, जी बताइए सर। सर से मेरी बात हुई है अभी, प्रोफेसर पाठक जी से, वो एक मिनट में जुड़ रहे हैं, वो कुछ टेक्निकल रीजन था वो जुड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर जी। राजेंद्र मानवत सर एक मिनट के लिए हमसे कुछ तो बता ही सकते हैं। आपके शब्द हमारे लिए हमेशा शुभ होते हैं। प्रशासनिक अनुभव रहे उनकी कुछ। सर हमें, हम ये सुनना चाह रहे हैं संजीव भानावत जी और राजेंद्र भानावत जी आपस में क्या रिलेशन है सर? संपर्क मैं बता देता हूँ, हमारा जी इंग्लिश में कॉमन है और हिंदी हिंदी में थोड़ा अलग भी है, हिंदी में अलग है इंग्लिश में कॉमन है। जो हमारे यहाँ ऑडियंस है उनकी जानकारी के लिए, आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं और आजकल कॉलम लिखते हैं आप, राष्ट्रदूत अखबार है, तो वो जो आपके प्रशासनिक अनुभव है और पूरे सामाजिक परिवेश को जिस तरह से हम देखते महसूस करते हैं, तो एक प्रशासनिक अधिकारी और एक साहित्यकार की संवेदना की दृष्टि से जिस रूप में आप देखते हैं, तो प्रति सप्ताह कॉलम लिखते हैं आप और आपकी भी एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ है और अभी आपके संस्करणों पर आधारित एक पूरी पुस्तक जो आपके सेवा काल में रही। सर आपके कितने 36-39 ट्रांसफर, कितने ट्रांसफर हुए आपके? मेरे 38 साल के नौकरी में 30 ज्यादा नहीं हुआ, 38 ईयर्स में 30 ट्रांसफर हुए।
पाठक जी कुछ तैयारी हुई है? अभी थोड़ा समय लगेगा। आगे शायद पाठक सर आगे हैं। कौन सा आगे? शायद पाठक सर आगे हैं मेरे ख्याल से। कनेक्ट हो गए हैं पाठक सर? नहीं, आवाज नहीं आ रही है अभी। ट्राइंग हिज ईयरफोन। संजीव जी कुछ सवाल जवाब भी रखेंगे या केवल सुनना ही है? बात इसके बाद वो मेरे ख्याल बलदेव भाई तो निकल गए, चले गए शायद उनका। हाँ। आवाज नितिन नितिन है कि नहीं है? सबकी तरफ तो उत्तर आप दे रहे ना। यस सर, प्रोफेसर पाठक इज सेइंग समथिंग। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। स्टिल वी कांट लिसन टू यू। What's wrong? Okay, probably mobile screen is there, sir. Try once again. Vivansu bhai. जन साहित्य न्यूज चैनल प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। सर कुछ कह रहे हैं पाठक सर? देखिए मेरे ख्याल से नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? जो संजीव जी पाठक साहब मेरी उम्र के हो ना, टेक्नोलॉजी से थोड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। जी हाँ सर, सर यस वी कैन लिसन। अभी आई आवाज? यस सर, यस सर, परफेक्ट। ओके, मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, आपके सबके चित्र भी दिख रहे थे, लेकिन समय मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी अभी तक। आपसे माफी चाहता हूँ जो भी असुविधा हुई आप सबको। अभी यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली? यस सर, यस सर, वंडरफुल। ओके ओके, आदरणीय बलदेव भाई शायद फिलहाल नहीं है हमारे साथ, संजीव जी, शाहिद भाई, जगाती जी, नितिन जी, उषा जी और संजीव शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आज मौका दिया कि आप सभी से मैं मुखातिब हो पाऊँ इस वेबिनार के माध्यम से। कई सारी चीज़ें हैं इस पूरे दौर में जो हम शेयर करते आ रहे हैं, और आज इस मंच से हम लोग पहली बार एक दूसरे के साथ मुखातिब हैं। तो पहले तो मैं जो हमारे आज के मुख्य अतिथि बलदेव भाई हैं, जो नाम ही है उनका बलदेव, जिसमें बल है देव का, उनकी वाणी में, वो उनके स्वर में, उनके विचार में वो बल नजर आया। मैं जनसंपर्क का विद्यार्थी हूँ और आज जो पूरे प्रकरण में जो एक चीज में एज यू से टेकिंग अवे फ्रॉम टुडेज इवेंट इज व्हाट ही सेड, जनसंपर्क व्यवहार है, चातुर्य नहीं। मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता हूँ कि ये कोई चातुर्य नहीं है जो आज आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ जो चैनलों में देख रहे हैं आप। कभी कभी कुछ जनसंपर्क की जो एजेंसीज हैं उनके बारे में आप सुनते हैं, वो सब जनसंपर्क नहीं है। जनसंपर्क वो है जो आत्मा से आता है, व्यवहार से आता है, संस्कार से आता है। हम सभी उस स्कूल के विद्यार्थी हैं जो ये सोच के साथ जनसंपर्क करते हैं। जहाँ तक संजीव भाई का और मेरा जुड़ाव है, ये लगभग 4 दशक का संबंध है। जब मैं लॉ का विद्यार्थी था, जर्नलिज्म का विद्यार्थी था, और संजीव जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष होते थे, और हम एक दूसरे के कार्यक्रम में सहयोग करते थे। और उसके बाद हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक राजस्थान विश्वविद्यालय की पत्रिका का शुभारंभ किया, जिसके हम दोनों सह संपादक थे। तो वो खूबसूरत दिन है हमारे। The volume is again not there.
जी अभी फिर हूं मैं आपके साथ। यस सर, यू कनेक्टेड सर। जी सर, आप मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका दीजिएगा एक मिनट के बाद। एक मिनट में मैं जितने भी हमारे साथी हैं जो जनसंपर्क से जुड़े हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि ये जो वक्त निकला पीछे कोरोना का, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ने पूरे देश में एक अभियान कोरोना अवेयरनेस का चलाया। हम आप जैसा जानते हैं 21 अप्रैल को नेशनल पीआर डे मनाते हैं और उस पीआर डे में हम एक थीम लेकर के चलते हैं और पूरे देश में उसमें कार्यक्रम आयोजित होते हैं। पिछले 3 वर्षों में मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो हमने वेबिनार की वो सब्जेक्ट थे सैल्यूटेशंस टू इंडियन आर्म फोर्सेज, इलेक्ट द बेस्ट, वन नेशन वन एजेंडा वन वॉइस। तो इस तरह की राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत कार्यक्रमों को लेकर के हम पूरे देश में कार्यक्रम करते रहे। इस साल मार्च में हमें आभास हो गया कि हम पब्लिक रिलेशंस का जो हमारा एनुअल कार्यक्रम है वो उस रूप में नहीं कर पाएंगे जिस रूप में हम करते आ रहे हैं। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का जो काम है, जो हमारा मूल दायित्व है, जब हम जनसंपर्क सीखते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि व्यक्ति के संबंध आपस में किस तरह जुड़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सिचुएशन ऐसी दिख रही थी कि शायद इस वर्ष हम उस प्रकार के कार्यक्रम नहीं कर पाए और हमने 2 महीने का कोरोना अवेयरनेस ड्राइव किया पूरे देश में। और आपको जान के खुशी होगी कि 250 पोस्टर्स हमारे डिफरेंट चैप्टर्स ने बनाए, वेबिनार्स इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, इवेंट आयोजित किए गए, लोगों ने फंड्स जुटाए और यहाँ तक कि अपनी परवाह ना करते हुए जरूरतमंदों को सहायता पहुँचाई। आप लोग जहाँ से आते हैं, जयपुर भानावत जी, जयपुर चैप्टर ने 125,000 रुपये इकट्ठा किया अपने सदस्यों से। ये बहुत संतोष की बात है कि जनसंपर्क के लोग इतने जिम्मेदार इस दरमियान रहे। हमारे दूसरे चैप्टर से जिन्होंने जहाँ खाने की कमी थी, जहाँ सामान चाहिए थे वो पहुँचाए, जो लोग रास्ते में रुके हुए थे, जनसंपर्क का एक दूसरा स्वरूप इस दरमियान सामने आया। हमने उन 2 महीने के बाद सोचा कि निश्चित रूप से हम एक ऐसे दौर में जाएंगे जब कोरोना को हम विजय प्राप्त कर लेंगे और जो भारत की प्रतिष्ठा रही है विश्व विजेता की, एक बार फिर हम उस रूप में सामने आएंगे। और इसके लिए हमने विजय भारत अभियान शुरू किया जिसको एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर निशंक जी ने फ्लैग ऑफ किया। तो इन दिनों हम लोग उसी प्रयास में लगे हुए हैं और उसके कई कार्यक्रम हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। जो एकेडमिक से जुड़े हुए मेरे साथी हैं, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने ये नई विधा सीखी और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि जो शिक्षा का काम है वो रुके नहीं। मुझे पता है खास करके जो हमारी बहनें हैं जिन्हें अपने घर के दायित्व भी संभालने हैं और अपने क्लासरूम्स भी छोड़ने नहीं हैं, उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयाँ हुई। आज हम सभी वेबिनार में कंफर्टेबली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दौर था जब हमारे लिए ये शब्द नया था। इस वर्ष जनवरी से पूर्व बहुत ज़्यादा वेबिनार हमने नहीं सुना, लेकिन आज लगभग हर जनसंपर्क कर्मी वेबिनार के मोड पे है। मैडम, अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त दें
तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, क्योंकि भानावत जी ने मुझे बताया कि कुछ विद्यार्थी भी हैं जो हमारे साथ हैं, तो मैं कुछ स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। सर यू कैन डू दैट, नो इश्यूज। Can you see it? जी जो विद्यार्थी हैं खास करके मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो इमेज है जिसे हम छवि कहते हैं वो जिंदगी में सबसे बड़ा एसेट है। आई रिकॉल माय फादर यूज्ड टू टेल मी इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ इमेज इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जो उन्होंने तब मुझे सिखाया आज तक मैं उस बात को महसूस करता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण एसेट है, हमारी कमाई है जिसे पूरी जिंदगी हम उस पर खाते हैं। तो ये जो छवि है वो क्या है? छवि वो चीज नहीं है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, छवि वो है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। और कोई भी संगठन हो या व्यक्ति हो, जो अवधारणा सामने वाले लोग जो जनता आपके बारे में रखती है वही हमारी छवि है। आपकी अच्छी छवि आपका सबसे बड़ा आभूषण और आपकी संपत्ति है। सकारात्मक छवि का प्रबंधन ही जनसंपर्क कहलाता है। दो लफ्ज हम पहचाने जाते हैं, PR यानी परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन। जो भी अच्छे काम हम करते हैं हमारे दायित्व के निर्वहन में है उसके प्रति आपका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं, ये पब्लिक रिलेशंस के प्रयास हैं। तो हर अच्छे कार्य प्रदर्शन की स्वीकार्यता अर्जित करना जनसंपर्क है। एक टिपिकल पब्लिक रिलेशंस की जो परिभाषा है उसमें किसी भी संगठन की सही छवि प्रतिस्थापित करने के लिए सत्य पर आधारित एक सतत और सुनियोजित संचार है। यहाँ सत्य बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि आज हम बहुत आडंबर की दुनिया देख रहे हैं जहां असत्य को इतना जोर से कहा जाता है, इतना बार बार कहा जाता है कि आप उस पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाएं। वो प्रयास कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रयास जनसंपर्क नहीं है। इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस एसोसिएशन ने इसी वर्ष कुछ महीने पहले जनसंपर्क की एक नई परिभाषा दी है, जिसमें जो नैतिक संचार है और जो वैल्यूज हैं उसको उसमें जोड़ा है। और उस लिहाज से जो जनसंपर्क की नई परिभाषा आज उभर के आई है वो है कि जनसंपर्क एक प्रबंधन विधा है जिसके द्वारा संगठनों और उनसे संबद्ध हितार्थियों के बीच विश्वसनीय और नैतिक संचार के माध्यम से सार्थक संबंध बनाए जाने के प्रयास किए जाते हैं। इस कार्टून के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पब्लिक रिलेशन दायित्व जो निभाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो छवि है, जो इमेज है, उसको बचा के रखा जा सके इमेज स्पॉयलर्स के साथ। हम मिसकंसेप्शंस हैं, जो भ्रांतियां हैं समाज में अपने संगठन के प्रति, उसको साफ करें और सही छवि निकाल करके लेके आए। ये टू वे कम्युनिकेशन है। यदि मैं एक तरफा बात आपसे कहूं और उसके बाद अपनी बात कह के चला जाऊं तो वो जनसंपर्क पूरा नहीं होता। जनसंपर्क में मैं अपनी बात कहूं, आपकी बात सुनूं, आपके इशारे भी समझूं, तभी जनसंपर्क पूरा होता है। ये जो कुछ भी जनसंपर्क मैंने सीखा है मित्रों, ये उसका मैं निचोड़ समझता हूँ। यदि कोई व्यक्ति जनसंपर्क में जाना चाहता है तो ये 6 हाथ हैं। यदि ये सामर्थ्य उसके पास है, वो एक अच्छा लेखक है, वो सत्य पे विश्वास करता है, उसे ज्ञान है किस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है और उसके प्रतियोगी कौन है,
उनके सामने चुनौतियां क्या है, उनके सामने अवसर क्या है, इस बात का ज्ञान उस व्यक्ति को अपनी इंडस्ट्री के बारे में होना चाहिए। गुड कम्युनिकेटर, आप हिंदी भाषा के हों या गुजराती के हों या मलयाली के हों, आपका भाषा पर नियंत्रण हो और जिस भी भाषा में आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपनी बात को सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत कर पाए। मीडिया एक्सपर्ट, आप सभी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि जिस प्रकार इकोनॉमिक टाइम्स के करस्पॉन्डेंट को दिल्ली या बॉम्बे में आप डील करेंगे, बिहार के बेगूसराय में जो पत्रकार है उससे आप अलग प्रकार से डील करेंगे, या आप गुवाहाटी में जो पत्रकार है उसकी आवश्यकताएं कुछ अलग हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस मीडिया को डील कर रहे हैं और उसके अनुरूप आपको अपनी तैयारी करनी होगी। सोशल साइंटिस्ट, जो सुबह शर्मा साहब ने कहा, बलदेव भाई ने, सोशल साइंटिस्ट वही चीज है। कोई भी व्यक्ति जो जनसंपर्क में है उसे समझना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं वो उनकी आकांक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है, उनका रिएक्शन क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। जब तक आप सामने वाले लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप जनसंपर्क अपना फलीभूत नहीं कर सकेंगे। मैं अगर कहूं कि सोशल साइंटिस्ट इज समवन हु कैन सी व्हाट इज नॉट विजिबल एंड ही कैन हियर व्हाट हैज नॉट बीन सेड, ये दो चीजें आप माहौल को महसूस कर पाएं और अपने प्रबंधन को उसके अनुरूप एडवाइस दे पाएं, सलाह दे पाएं, ताकि उनके प्रयास ज्यादा स्वीकार्य हों आपके स्टेक होल्डर्स को। ये आप सभी जानते हैं आज जो विज्ञापन का दौर है, बहुत अलग अलग रूप हमारे सामने आए हैं, लेकिन बेसिक जो फर्क है, हम जनसंपर्क में, हमें खुशी है कि हम उन अवसरों को पैदा करते हैं जिनके माध्यम से हम अपने संगठन की छवि बना सकें, जबकि विज्ञापन में हम अपने चैनल पे या न्यूज़पेपर में पेमेंट के माध्यम से वो पब्लिसिटी अर्जित करते हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जो कई हमारे साथी जनसंपर्क हैं, सो कॉल्ड जनसंपर्क में हैं, जो कुछ और दिखाते हैं संगठन की छवि को और वास्तविकता कुछ और होती है, ये जनसंपर्क नहीं है। तो पब्लिक रिलेशंस इज ऑलवेज ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, इट इज 90% डूइंग गुड एंड 10% टॉकिंग अबाउट इट। जब तक आपने अपने संगठन के कार्य प्रदर्शन को बेहतर स्तर तक ले जाने के लिए प्रयास नहीं किए तब तक आपका जनसंपर्क अधूरा है। पहले आप कोशिश करें कि आपका जनसंपर्क की बात आप बाद में करें, पहले ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें, वो संगठन इस स्थिति तक पहुंचे कि आप सर उठा करके अपने संगठन की बात कर पाएं। ये एक प्रोपेगेंडा टेक्निक का जरिया नहीं है, हम वो लोग नहीं हैं जो प्रोपेगेंडा करके अपनी बात तमाशे के जरिए अभिव्यक्त करते हैं, हम गंभीरता से बात करते हैं। आपने सुना होगा मीडिया कवरेज में, चैनल्स में, ये कहने में आया है, ये सुनने में आया है, लर्न फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, वी आर नॉट द वन, वॉट एवर वी से इट विद फुल कन्विक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पब्लिक रिलेशंस का और दूसरी संचार विधाओं का। जो कुछ भी आप कहते हैं वही सत्य है, वही आधार है हर समाचार का। जनसंपर्क किस प्रकार से काम करता है ये आपको मैं दोहराने की जरूरत नहीं, मैं जो विद्यार्थी हैं उनके लाभ के लिए ये बता रहा हूँ कि जिस प्रकार एक समस्या का आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर एक जनसंपर्क का कार्यक्रम बनाते हैं, उससे जुड़े हुए लोग कौन हैं जिनके लिए आपको वो जनसंपर्क के प्रयास करने हैं, फिर आप जनसंपर्क का कार्यक्रम लॉन्च करते हैं, अपनी एक इमेज बिल्डअप करते हैं जो आप चाहते हैं, जिसका निर्धारण आपके संगठन ने किया है, और एक छवि आपकी बनकर के आती है। इन पूरे प्रयासों के बाद आप कोशिश करते हैं पीछे पलट के देखें कि जो प्रयास आपने किए हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं।
और उसको रिव्यू करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मावलोकन करें और दोबारा अपने प्रयासों को शुरू करें। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में मानव के अस्तित्व को ही झकझोर दिया है। ये आप और मैं प्रतिदिन महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार आज हम और आप वार्ता कर रहे हैं, ये इस कोरोना का ही एक आउटकम है। कोरोना वायरस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, मानवीय मूल्यों, परंपराओं, व्यापार के नियमों और मानव की जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन ला दिए हैं। आपको कभी कभी खुशी होती होगी जब अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति एक दूसरे को नमस्ते करते हैं कि ये कोरोना का इम्पैक्ट है, पर ये एक छोटा सा सकारात्मक पहलू है जिसे देख के हम उत्साहवर्धन कर सकते हैं अपना कि आज भारत की परंपराओं का पूरे विश्व में किस प्रकार सम्मान हो रहा है। कीप डिस्टेंस टूडे सो दैट वी कैन हग ईच अदर टुमारो। आज के जीवन के अस्तित्व का यही मूल मंत्र है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करें, दूरी बना के रखें, आत्माओं की दूरी नहीं रहे, दिल की दूरी नहीं रहे, लेकिन शारीरिक दूरी जरूरी है। कोरोना ने व्यापक रूप से इन पहलुओं पर प्रभाव डाला है। कॉरपोरेट रणनीति, व्यापार के नियम और शैली, व्यापारिक योजनाएं, ब्रांडिंग उपकरण, विज्ञापन नीति, जनसंपर्क और इवेंट मैनेजमेंट, अब इन सभी में जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो महसूस कर रहे हैं। कॉरपोरेट्स किस प्रकार अपने को चला रहे हैं, आज 30% मैन पावर के साथ उन्हें अपने ऑफिस चलाने पड़े, किस तरह उन्होंने लोगों को रोटेट किया, किस तरह से वर्क फ्रॉम होम किया, किस तरह बोर्ड मीटिंग हुई, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, मार्केटिंग ने अपना स्वरूप किस प्रकार से लिया, जो पब्लिसिटी, जो ब्रांडिंग थी, जो मार्केटिंग स्कीम्स थी वो एक नए स्वरूप में आई, ब्रांडिंग एकदम फर्क पड़ गई। जो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया 50 और 60 पेज के आ रहे थे, आज आप देख रहे हैं 20 पेज पे सिमट गए, कई अखबार खत्म हो गए जो आज अस्तित्व में नहीं है, कई पत्रिकाएं समाप्त हो गई, लेकिन वेबसाइट आ रही हैं, कई लोग नए पत्रकार बन गए, जो सिर्फ अपने YouTube के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। विज्ञापन सिमट चुके हैं, आज अधिकतर चाहे सरकारी विज्ञापन हो, चाहे कॉरपोरेट विज्ञापन हो, आज विज्ञापनों का सहयोग अखबारों को, पत्रिकाओं को नहीं है और उन्हें अपनी नीतियां दोबारा देखनी पड़ रही हैं। जनसंपर्क में जिस प्रकार हम मीडिया मैनेजमेंट करते थे, आज वो मीडिया मैनेजमेंट टोटल वेब के माध्यम से हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम अपनी बात रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं या व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, उनके तरीके बदल गए हैं। इवेंट मैनेजमेंट पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा जरिया था एडवर्टाइजिंग पीआर वर्ल्ड में एक रेवेन्यू अर्न करने का, लेकिन वो सभी जीरो लेवल पे आ गया और वो इस वर्चुअल मोड पे कन्वर्ट हो गए। दोबारा चीजें उठने की कोशिश कर रही हैं, माध्यम बदल रहे हैं, लेकिन जो स्वरूप इवेंट मैनेजमेंट का, आप अपने जो ऑडियंस हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के जो प्रतिक्रिया लेते थे वो स्वरूप इस फॉर्मेट में नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर का प्रभाव होगा और ठीक ही हम दोबारा उस मोड में वापस जाएंगे। बेसिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस आर ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस एंड ब्रिजेस ऑफ ट्रस्ट विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड कोरोना हैज रीडिफाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। ये आप देखेंगे कंपनीज ने अपनी AGM इसी वेबिनार मोड पे की, ये इंडियन ऑयल ने की, ये ITC ने इसी प्रकार से अपनी AGM की, बोर्ड मीटिंग जो कॉरपोरेट्स करते हैं सरकार ने उनको भी वेबिनार मोड पे अलाउ किया। ये आप देख रहे हैं, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। इस दरमियान कुछ जो फ्रॉड लोग थे उन लोगों ने भी अपनी चीटिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ाया और उसके लिए कॉरपोरेट्स को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत। जो वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं कॉरपोरेट्स में वो बढ़ी हैं, लोगों को ये एक अवसर प्रदान किए उनके मैनेजमेंट ने कि आप घर बैठ करके फिल्म बनाइए, कार्टूनिंग करिए, पोस्टर बनाइए, कुकरी कंपटीशन, पोइट्री सजेशन फेस्टिवल, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को संगठन से जुड़ा हुआ महसूस करें
और अपने आप को एक ऐसी विचलित परिस्थिति में महसूस ना करें. रीइमेजिनिंग द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट लर्निंग इन ए वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो आज ट्रेनिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वो सभी इसी मोड पे. मीडिया मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे आप अपनी बात कह सकते हैं. दूसरा, कई ऐसे लोग जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, ना वो उन गुणवत्ताओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज सही हो गलत हो अपनी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल देता है और उससे तमाम किस्म की भ्रांतियां आती हैं. इन सब के लिए जनसंपर्क को सावधान रहने की जरूरत है. ये सब संसाधन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. ये आज कई सारे चैनल हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जनसंपर्क के लिए कोरोना का है. इस युग से जब हम बाहर निकल आएंगे, एक बार फिर वही दौर शुरू होगा. लेकिन सभी प्रयासों में हमें ट्रस्ट यानी विश्वास अर्जित करने की ज़रूरत है. डिजिटल जो मूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनसंपर्क को इम्पैक्ट कर रहा है, और इस क्राइसिस की सिचुएशन में जो लेजेंड है, क्रेडिबिलिटी है, हॉनेस्ट कम्युनिकेशन है, गुडविल है और ओपन डोर पॉलिसी है, उससे हमें मदद मिलेगी. We remain safe today by maintaining the physical distance and by breaking the corona chain. We shall be able to meet with the same warmth tomorrow. Communication is the first step to convey your ideas and acceptance and build trust to achieve organizational goals. Use out of box ideas to make your communication effective. ये मूल मंत्र मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा करके दिखाएं जो रूटीन में नहीं होता. Let us build a better world around us with effective public relations. Thank you, friends. Thank you so much, sir. Yeah, if the screen gets over, then I can continue. Probably the just voice is cracking. Sure. अभी मेरी आवाज क्लियर है मैडम? यस सर परफेक्ट. ओके ओनली द स्क्रीन नीड्स टू गेट क्लोज्ड. नो, मैं आपको सिर्फ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ. एक कविता है मेरी, लेकिन मैं कविता पूरी नहीं सुनाऊंगा आपको. एक छंद आप लोगों के लिए मैं सुनाना चाहूंगा. सुनाइए सर. बिल्कुल. जी. सिखाया था कभी तूने गले सबको लगाना है, सिखाया था कभी तूने गले सबको लगाना है. तेरा ही रूप है सब में, हमने भी ये जाना है. हवा है अब चली कैसी, समझ में मुझको आए ना, कि हो गए कैद घर में हम, बाहर भी न जाना है. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. घर में हम, बाहर भी न जाना है. कि दुश्मन है वो जीवन का, दिखाई ही नहीं देता. आहट भी नहीं आती, सुनाई भी नहीं देता. डॉक्टर और नर्सों ने लगाई जान की बाजी, दुआओं में असर हो तो ईश्वर क्या नहीं देता. दुआओं में असर हो तो ईश्वर क्या नहीं देता. बस मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ जुड़ने का. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. सुंदर रचना सर, बहुत खूबसूरत आपका वक्तव्य भी. आपने बहुत अच्छी तरीके से फाउंडेशंस को समझाया पब्लिक रिलेशंस के, और उसके साथ ही जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं पब्लिक रिलेशंस को लेकर के, उनके ऊपर भी आपने चर्चा की. आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी नितिन जी और अजीत पाठक जी, आपसे निवेदन है कि हमारे साथ जुड़े हुए पूर्व आईएएस अधिकारी राजेंद्र भानावत जी ने हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं. अगर आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं तो कृपया प्रश्नों का जवाब दे करके इस ऑब्जर्वेशन और इस क्वेश्चन आंसर राउंड को सफल बनाएं.
और चैट अगर देखने में दिक्कत है तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। सर ने पहला क्वेश्चन पूछा है, टू मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अबाउट कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड आर कमिंग थ्रू सोशल मीडिया, हाउ टू एनकाउंटर दैट? जी हमने ये तय किया था पब्लिक रिलेशन सोसाइटी में कि हम जितने भी कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, हम वो जो हियर से पे बेस्ड है, जो सो कॉल्ड डॉक्टर और वैद्य जो अपने को समझते हैं, जो सलाहकार समझते हैं, उनकी जो चेतावनियां हैं या उनके सलाह हैं, हम उस पे नहीं जा करके जो कुछ भी WHO कह रहा है, यूनिसेफ कह रहा है या मिनिस्ट्री कह रही है, हम उन्हीं संदेशों को आगे लेके जाएंगे। और जितने भी कम्युनिकेशन हमने बनाए वो सभी उन्हीं पर आधारित हैं, किसी हियरसे पे आधारित नहीं है। तो ये प्रयास हमने करने की कोशिश की। दूसरा इसमें, हाउ डू यू रीच पीपल हु आर नॉट ऑन डिजिटली कनेक्टेड? लकीली कोविड इज मेनली ए प्रॉब्लम ऑफ अपर एंड अपर मिडिल क्लास। ओके, आप जैसा समझते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाए, लेकिन श्योरली हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम पोस्टर्स को लगाते, लेकिन हमारे चैप्टर्स ने जो इवेंट किए उन इवेंट में सही पक्ष रखे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, और डॉक्टर्स की जो चर्चाएं थी और उनकी प्रेस रिलीज किए जिनके समाचार इन शहरों में छपे, काफ़ी बृहत रूप से छपे, तो वो एक हमारे लिए माध्यम था। जैसा कि मैंने कहा, हम विज्ञापन नहीं करते, हम वो अवसर पैदा करते हैं जिसमें हम अपनी बात कह पाए। तो हमने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किए, उसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी की और वो उस शहर के सभी अखबारों ने कवर किए। वेबिनार के माध्यम से भी हमने उन बातों को कहा। तीसरा सवाल है आपका, गवर्नमेंट हैज बीन इशूड ए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स एवरी डे, कैन PR पीपल नॉट कन्वर्ट देम इनटू सिंपल अनएम्बिगुअस लैंग्वेज सो दैट द कॉमन सिटीजन्स आर नॉट? आपको मैं अनुरोध करूंगा कि एक तो PRSA वेबसाइट पे जाएं जहां पे पूरा कोरोना अवेयरनेस का एक सेगमेंट है। आपको खुशी होगी और आपको गौरव भी महसूस होगा कि जनसंपर्क कर्मियों ने, आपके साथियों ने जगह जगह पर, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो या अंग्रेजी हो, हमने कोशिश की है। और जो हमने विजयी भारत अभियान का जिक्र किया है, उसमें हम आशा करते हैं कि हम एक दूसरे चरण पे इस प्रयास को लेके जाएंगे। एक हफ्ते का सवाल है, शायद हम स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से या और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से इसको और वृहत लेवल पे लेके जाने की स्थिति में होंगे। लेकिन आपको मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार वेबसाइट देखें, आपको हमारे प्रयास दिखेंगे वहां। अजीत जी, इसमें मेरा थोड़ा सा सबमिशन था कि चाहे वो PR प्रोफेशनल है, लेकिन जी इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर फिर अपनी टिप्पणी करें। दो तीन बातें मैं रखना चाहूंगा भानावद क्वेश्चन के संदर्भ में। पहली चीज तो ये है कि जब भी खबर को लिखा जाए उसमें यह जरूरी है कि उसका पूरा सोर्स दिया जाए। ये जो आपने भानव जी ने सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही है कोरोना के ट्रीटमेंट को लेकर, ठीक है, इसकी चुनौती हमारी ये है, जो हम खबर दे रहे हैं उसमें हम कई बार ये नहीं बताते हैं कि ये जो रिसर्च छपी है वो कौन से जर्नल में छपी है, उस जर्नल का स्टेटस क्या है, ये डिस्क्लोज बहुत आ रहा है किसी का, उसका स्टेटस क्या है, कितना सैंपल साइज लिया गया, वो जर्नल पीयर रिव्यूड है या नहीं। तो जब तक हम सोर्स की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त नहीं हो पाएंगे तब तक, जैसे आपने कहा WHO, यदि कोई खबर आती है तो हमें WHO की वेबसाइट पर जाकर के देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग मीडिया में जुड़े हुए हैं यदि वो खबरों का सही सोर्स नहीं तलाश पाएंगे, और उनकी अभी जैसे कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी कि अब आने वाले दौर में कोरोना वायरस का असर होने वाला है, कि चाहे आप मास्क लगाए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग करें, चाहे हाथ धो, कोई असर नहीं होगा। और ये बड़े दिल्ली से छपने वाले राष्ट्रीय पत्र के अंदर था, उसमें ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इसका सोर्स क्या है, किसने रिसर्च की है, उसका क्या बैकग्राउंड है। ये चीज़ें क्या मुझे लगता है कि काफ़ी भ्रम फैलाती है। दूसरी बात भाषा को लेकर के, ये बड़ा, चूंकि हम लोग भाषा से जुड़े रहे बहुत लंबे समय से, ये मुझे कई बार चिंतित करती है। अभी भी आज कोरोना को 6-7 महीने हो गए, हमारे बहुत सारे मित्र इसको, इनको ये नहीं पता कि क्वारंटाइन कब होता है और आइसोलेशन कब होता है। इवन TV चैनल्स पर मैं देखता हूँ कि कोई भी हमारे जो लीडर्स हैं वो इन्फेक्ट हो गए, पॉजिटिव आ गए,
फिर भी उन्होंने बोल रहे क्वारंटाइन है, और जो इन्फेक्ट नहीं है उसको हम कह रहे हैं आइसोलेशन में चले गए। तो ये एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका की एजेंसी है, उन्होंने पूरा पूरा एक स्टाइल बुक तैयार की है। तो नितिन जी, क्या जो पीआर प्रोफेशनल्स हैं वो इस दिशा में कहीं कुछ काम कर सकते? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोक संवाद संस्थान जो कल्याण कोठारी जी हैं वो भी कुछ कर हमारे साथ थे, हम यूनिसेफ के साथ मिलकर ऐसे डूज एंड डोंट्स इसको हम बनाए है ना, ताकि आम आदमी समझे तो सही उस भाषा को। कंटेनमेंट जोन से क्या मतलब है, रेड जोन से क्या मतलब है, ए सिम्टोमेटिक केस क्या है, सिम्टोमेटिक केस क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीआर प्रोफेशनल, क्योंकि ये चैलेंज आप लोग जो कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं वहाँ शायद बड़ी वो नहीं है, लेकिन जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जब आप हॉस्पिटल की पीआर कर रहे हैं यदि, उनके प्रेसिडेंट को आप किस रूप में बना पाएंगे? तीसरा सवाल जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, संयोग से वो बात हो नहीं पाई, और राजेंद्र जी ने भी अपने उसमें लिखा था कि मुझे ये उम्मीद थी कि पीआर के चैलेंजेस पर बात होगी कि कोविड में क्या रहा। देखिए, पीआर प्रोफेशनल या पीआर कंपनीज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इवेंट सारे बंद हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन होने लग गई है ना, तो वो जो आपका पूरा एक मीडिया का नेटवर्क होता था जिसमें आप किसी कंपनी को हेल्प करते थे, वो सब चीज़ें एक्चुअली हो ही नहीं रही, सारी चीज़ें वर्चुअल मीडियम पर आ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये पीआर कंपनीज हैं उसमें जो आपके जो लोग काम कर रहे हैं, आपने चर्चा की कि इकोनॉमिकली जो अखबारों में कट हुआ, बंद हो गए, बहुत सारे पत्रकारों की नौकरियां चली गई, उनकी सैलरीज कम हो गई, ये जो आपकी पीआर कंपनीज थी उनकी स्थितियां किस तरह की हैं? मुझे लगता है इन प्रश्नों पर भानावती ने हमको ज्वाइन कर लिया है, और यदि वो इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहें तो उनका भी स्वागत है। जी मैं संजीव जी एक बात ये कह रहा था, पीआर ऑर्गेनाइजेशन कई बार पीआर एजेंसी को जिम्मेदारी दे देते हैं उनकी इमेज ठीक करने का, जो काम ठीक करने का काम पीआर का नहीं है, काम ठीक करने का काम तो ऑर्गेनाइजेशन का है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का जो काम है वो काम खाली पीआर के जिम्मे छोड़ दे तो ये अपेक्षा बहुत अधिक है। मुझे लगता है पीआर एजेंसी को भी ये स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि काम जैसा हो, अच्छा काम होगा तो उसको आप ज्यादा अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन केवल ये था कि क्या पीआर एजेंसी या पीआरओज या पीआर के रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं जो उनके क्लाइंट है ऑर्गेनाइजेशन का, पब्लिक सरकारी डिपार्टमेंट है तो पब्लिक या कोई दूसरी कंपनी है तो उसके कोई भी कस्टमर्स है, क्या उनकी बात वापस अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम भी मुझे लगता है कई काफी हद तक ये पीआर एजेंसी कर सकती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम ठीक करने का भी इसके जरिए मौका मिले। वरना एक वन वे ट्रैफिक जब होता है तो लोगों में धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी इसकी कई बार मैं देखा है कम हो जाती है, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव द फीडबैक ऑल्सो टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीआर। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेटली ये मान के चला गया कि कैसा भी काम कर रहे ऑर्गेनाइजेशन उसकी इमेज हमेशा अच्छी बनी रहे, वो होता नहीं। उससे क्या होता है, मुझे लगता है पब्लिक में जनता इसमें ज्यादा बढ़ता है, अगर जो हम बताएं कुछ और मौके ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, जितना अंतर होगा ग्राउंड रियलिटी पे सर्विस डिलीवरी में और जनता या सरकार, तो ये थोड़ा सा एक अंतर को पाटने का काम, जो एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी दोनों को पाटने का काम पीआर एजेंसी और पीआर में जुड़े हुए लोग कर सकते हैं, ताकि जो जो विभाग या एजेंसी कंपनियां जो भी हैं वो अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करें, अपना अपना जिम्मा वो पीआर लोगों पे टाल गए, वो मुझे लगता है बहुत अपेक्षा बहुत उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बानावत साहब, नितिन भाई आपको इसकी आगे और जवाब दें, उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक मैंने स्लाइड दिखाई थी आपको, पीआर इज 90% डूइंग गुड एंड 10% टॉकिंग अबाउट इट, ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके सवाल का जवाब है। जहां मैं अगर एक केमिकल इंडस्ट्री रन कर रहा हूं और वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है मेरी चिमनियों से, वहां के जो निवासी हैं आसपास के उन्हें सांस की तकलीफ हो रही है, और उस वक्त मैं विज्ञापन इशू करूं एक फुल पेज का या होर्डिंग लगाऊं कि हम पर्यावरण हितैषी ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं चलेगा। तो व्हेन आई से 90% डूइंग गुड, मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को सुधारने का काम करें, उसमें जुड़े पहला, और जब वो अचीव कर लें तब पब्लिक रिलेशन की बात करें। दूसरा, आईज एंड ईयर्स, आपने कहा कि संगठन तक बात पहुंचे, तो मैंने पहले ही कहा दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जब तक आप जो आपसे जुड़े हुए संगठन के हितार्थी हैं उनकी बात संगठन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक जनसंपर्क पूरा नहीं होगा।
तो ये तो हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है कि हम उसे अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाएं ताकि अपनी जो नीतियां हैं उसमें वो सुधार कर पाए। जी सर बिल्कुल, भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल, एक बात क्या, चलिए नितिन जी बोलिए, नितिन जी कह रहे हैं। मैं अजीत सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर का एक जो स्लाइड था जहाँ पे बात ये थी कि पहले एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है, उसके बाद उसके कुछ पोर्शन आप कम्युनिकेट करिए और वो काम लोगों के हित में होना चाहिए। तो जैसे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, अभी जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं सरकार के साथ, तो जैसे राजस्थान सरकार के साथ मिलके हम लोग जब काम कर रहे हैं तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कोरोना के प्रति कितना जागरूक रहना चाहिए और सेल्फ ड्रिवन सेफ्टी लोग कैसे एक्चुअली यू नो मैनेज कर सकते उसके ऊपर बात की। सो क्योंकि मास्क लगाना और बाकी जो भी सेफ्टी के जितने भी रूल्स है जो कि फॉलो करना चाहिए लोगों को, वो कहीं ना कहीं टूट रहे थे। लोग थोड़ा सा लाइटली ले रहे थे, बहुत सारे ऐसे अखबार के अंदर न्यूज भी आ रहे थे कि कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं और घर में लोग ऐसा ही बातें करते हैं कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं और बाहर जा रहे लोग खाना खा रहे बाहर का, तो खुद अपने आप को रिस्क में डाल रहे। ये सब चीजें कंसिडर करके और हम लोगों ने कुछ एक सजेस्ट किया था कि जन जागरूकता अभियान चलाए जिसके अंदर लोगों को ये अवेयरनेस खुद ही मिले कि भाई ये कितना रिस्की है और इसके साथ में लोग जुड़े और दूसरों को इन्फ्लुएंस करें। तो जैसे आपका कहना है कि वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जनता क्या सोचती है या लोग क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में सरकार के बारे में या जिसका भी पीआर कर रहे हैं उसके बारे में, वो टू वे कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोगों ने वो जन जागृति अभियान के अंदर कुछ ऐसे आयाम जोड़े जहाँ पे लोग फीडबैक दे सके ऑन सोशल मीडिया या अदरवाइज भी। इसके पहले हम लोगों ने एक दैनिक भास्कर में एक Q&A सीरीज चलाई थी जिसके अंदर हमने ये लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप सरकार से सवाल पूछिए और CM साहब जवाब देंगे आपके सवालों के। तो एक दिन में करीब 2-5 हज़ार क्वेश्चन आते थे तो उसके जवाब देना जरूरी नहीं होता था या पॉसिबल नहीं होता था, बट इनमें से जो भी एक ऐसे सवाल होते थे जो कि लोगों के लिए मास्क के लिए एक अवेयरनेस के तौर पे हम जवाब दे सके, तो उन सवालों के जवाब दिए जाते थे मुख्यमंत्री जी द्वारा और उनको 10-15 दिन तक कंटिन्यू किया था वो Q&A को। तो इसमें भी हम लोगों ने ये ध्यान रखा था कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि लोगों के जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिले। तो आई थिंक आपके ये सवाल का शायद ये एग्जाम्पल है जो अजीत सर बोल रहे हैं और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये मुझे क्या ये चैलेंज नहीं लगता आप लोगों को कि जो मैनेजमेंट है वो वही बात सुनना चाहता है जो अच्छी हो, वरना डिफरेंस हो जाता है, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ये आपके लिए चैलेंज की बात है, मैं आपको केवल आप ही लोगों के सामने चुनौतियां इस बात की कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को असली फीडबैक देने की संभावना बनी रहे, वो समाप्त नहीं हो, इतना ही कहना, बाकी तो सब सही बात सही है आपकी, धन्यवाद जी। नहीं, आपने सही रूप में प्रोफेशनल हैजार्ड जो है पब्लिक रिलेशंस वालों का वो समझा है और पहचाना है और अपनी सहानुभूति दिखाई है। बेकार से बेकार ऑर्गेनाइजेशन, बेकार से बेकार मंत्री अपेक्षा ये करता है कि उसकी छवि को बहुत अच्छा बनाया जाए। हम लोग व्हाइट वॉशिंग एजेंट नहीं है जो काले के ऊपर सफेद लगा दें। ये कई बार कंफ्लिक्ट आते हैं हमारे करियर में जो भी पब्लिक रिलेशंस को चूज करते हैं, एंड वी हैव टू लिव विद इट। नहीं, people choose to keep the management happy, that then they become the problem, that's the only thing. Exactly. Right. Thank you very much, जी एंड नितिन जी, thank you. एक PR professionals की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ethics follow करके और चलना है और क्या ethics actually रखने चाहिए, बिना ethics कुछ I think करना नहीं चाहिए। जैसे एक recent example है
जो हाथरस वाले केस के अंदर आप देखोगे तो किसी पीआर एजेंसी ने पीआर स्ट्रेटेजी बताई है राजस्थान टू दी गवर्नमेंट हाथरस वाले केस में, तो उसको वायरल कर दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रोफेशनल पीआर एजेंसी ऑफिशियल नहीं, जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं ना संजीव जी और अजीत, कोविड की बात कर रहे हैं, सरकार रोज विज्ञापन देती है कि किसी भी अस्पताल में कोई आईसीयू बेड की कमी नहीं है, कोई जगह खाली है, हर जगह खाली है, रोज बताती है सरकार। लोगों का अनुभव ये होता है कि जिस अस्पताल में जाओ वो कह देंगे हमारे यहाँ जगह नहीं, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। तो लोगों का अनुभव और सरकार का क्लेम, खासतौर से अभी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों में जितना अंतर कम होगा उसकी उपयोगिता और उसकी सार्थकता मुझे लगता है बढ़ जाती है। बहुत सुंदर बात प्रोफेसर राजेंद्र भानावत सर जी, क्वेश्चन आंसर के राउंड अच्छा हुआ चले, और बहुत सारे पॉइंट्स जो मेरे ख्याल विद्यार्थियों के दिमाग में भी चल रहे होंगे वो राजेंद्र भानावत जी के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे रखे गए, और प्रोफेसर अजीत जी ने और नितिन जागर जी ने खूबसूरती से उनका जवाब दिया। मुझे लगता है कि कोई भी जब हम टॉपिक लेते हैं, व्हेन इंटेलेक्चुअल्स आर देयर ऑन अ प्लेटफॉर्म, सो द डिबेट और द यू नो डिस्कशन कैन नेवर स्टॉप, बट देन वी हैव लिमिटेशन ऑफ द टाइम एज वेल। So with this, you know, the entire thing which went very beautiful, except few, you know, hurdles that were because of the technology. And now I would take privilege to invite the convener of the entire event, Professor Sanjeev Bhanavat, to kindly, you know, share the vote of thanks, because a lot of people who have been connected with us, they have spared their time as well as the speakers, and undoubtedly Rajendra Bhanavat sir has by becoming a questioner he has actually flashed light upon various you know dimensions of the topic as well. So aapse nivedan karti hu Professor Sanjeev Bhanavat ki aap a vote of thanks dene ki kripa kare sir. Dhanyawad Dr. Usha, लगभग ढाई घंटे का शो हमारा हो गया है, 11 बजे शुरू किया था और डेढ़ बज रहा था, ढाई घंटे का शो अपना हो गया है और अभी भी हमारे साढ़े ग्यारह बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन और हम तो पढ़ने गए। सर मैं ये बोल रहा हूँ इसमें कोई ये नहीं बोलने वाला है कि हॉल खाली कीजिए, हम और ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। सही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अब लेकिन फिर भी क्योंकि हमने सारी रिकॉर्डिंग की है और इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से इस चर्चा को इसका लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे और ये जो सारी विचार अपने यहाँ हुए हैं वो बहुत लोगों तक पहुँचेंगे। जो पुराना मेरा अनुभव रहा है ये इसकी संख्या बढ़ती जाती है और लोग देखते सुनते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग को अपन उसी माध्यम से शुरू करेंगे। तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी अनुपस्थिति में प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी को, इन्होंने समय निकाला और अपनी बात आपसे शेयर की। अजीत जी और नितिन जी पूरे टाइम हमारे साथ रहे, अपने विचार शेयर किए। इन दोनों के साथ तो जैसा मैंने आपसे बताया कि बहुत आत्मीय संबंध है और अजीत जी ने जिस तरह से पूरी बात हुई कि सोशल कैंपेनिंग की है और PRSI के माध्यम से दो दशक से इस तरह से उन्होंने नेतृत्व दिया है पूरे PR मूवमेंट्स को, उनके उस अनुभव का लाभ भी हमको यहाँ मिला है। नितिन जी ने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर किया है मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर शाहिद अली PRSI जयपुर चैप्टर, अभी बहुत लंबा समय उनको नहीं हुआ है, लगभग एक साल का समय है और पैंडेमिक के पहले मेरे ख्याल जनवरी या फरवरी की बात है मुझे बिलासपुर जाने का मौका मिला। अजीत जी भी उस कॉन्फ्रेंस में थे, महात्मा गांधी को लेकर के उन्होंने एक सेमिनार किया था, वो बहुत बड़ा इवेंट था, राष्ट्रीय इवेंट था, उसमें काफ़ी मित्रों से हमारा मिलना हुआ था 2 दिन तक, तब मुझे भी उसमें सहभागिता का मौका मिला। तो एक साल में बजाय इसके कि पैंडेमिक का दौर है, शाहिद अली जिस सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ट्राइबल जर्नलिज्म और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में रहा है, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को PRSI के माध्यम से, तो मुझे तो इनके एरियाज में बस्तर और बिलासपुर और कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला है, तो उन्होंने उन रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन के माध्यम से कैसे काम हो सकता है, हेल्थ कैंप लगाना वहाँ पर, ब्लड डोनेशन के कैंप लगाना वहाँ पर, और किस तरह से वहाँ का यूथ, वहाँ की महिलाएँ, वहाँ की बच्चियाँ
उनका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा हो सकता है, कैसे उनको एम्पावर किया जा सकता है, रिवर कंजर्वेशन उसके क्षेत्र मतलब अलग अलग एरिया में जिस तरह से आपने काम किया, तो मुझे लगता है ई वेस्ट मैनेजमेंट इस एरिया में काम किया तो PRSI के माध्यम से जो उसकी एक सामाजिक भूमिका हो सकती है, सरोकार हो सकते हैं, तो एक छोटे से अल्पकाल के समय में, क्योंकि PRSI से तो मैं 91 से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लंबा समय है, मुझे लगभग 30 साल की यात्रा इस संस्था के साथ हो रही है और अजीत जी के सानिध्य में और सहयोग से तो बहुत सारे इवेंट्स भी हमने आयोजित किए हैं। जयपुर में भी आपके लगातार सहभागिता बनी रही, 2 इवेंट नेशनल कन्वेंशन जयपुर में आयोजित हुए। तो कहने का मतलब है कि PRSI के माध्यम से जो एक सामाजिक काम किया उसमें अब शाहिद अली ने भी अपनी एक कहना चाहिए कि योगदान दिया है और दोनों ही पति पत्नी मीडिया शिक्षक हैं, तो दोनों ने जिस तरह से बिलासपुर रायपुर में काम किया है वो श्लाघनीय है और मैं इनको भी अपने ओर से बहुत बधाई देता हूँ। और इसकी जो इनिशिएटिव लिए है तो नाटक के साथ जुड़े रहे, ये कई एरियाज में काम किया, एक इनिशिएटिव लेकर के PRSI रायपुर चैप्टर के माध्यम से और कम्युनिकेशन टुडे के मंच के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया और अपने कुलपति को आपने यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और शाहिद भाई तो जब पढ़ते थे तब इन्होंने मुझे एक मेरी पुस्तक में पत्र लिखा था, बस उस पत्र से ही मैं इनका फैन हो गया, शायद ये मेरे फैन हो गए। तो आज 25-30 साल की यात्रा हमारी उस रूप में भी है, मैं तो इनको पत्र विद्यार्थी कहता हूँ। पत्र पहले हम पेन फ्रेंड बनाया करते थे, अजीत जी को ध्यान होगा पेन फ्रेंड्स का दौर चलता था उस समय, ऐसी मैगजीन निकलती थी फोटो छपते थे, तो बहुत सारे हमारे मित्र उस समय के हैं, आज वो रियल दुनिया के फ्रेंड्स हो गए हैं। अब तो ये फेसबुक में पता नहीं क्या क्या आ गया है, उस समय फ्रेंडशिप का दौर दूसरा था, है ना। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले शाहिद भाई से कहा कि आज पत्र ढूंढना हो जो अपन ने पहले पहले लिखे थे, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जाए अलग होता है। तो मैं हमारे सारे वक्ताओं का और विशेषकर हमारी शोधार्थी पृथ्वी सेंगर का, उसने अभी भी मुझे मैसेज किया है, 136 रजिस्ट्रेशन अपने इस वेबिनार के लिए हुए हैं। ये भी मुझे लगता है कि उपलब्धि है कि इन सारे विषयों को लेकर के इतने बड़े समूह के अंदर लोगों की इच्छा है किसी किसी रूप से इन सारे डेलीगेशन को डिस्कशन को जानने की, तो उनकी ईमेल्स के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को इन तक पहुँचाएंगे। तो उसके प्रति भी मेरा आभार उस इनिशिएटिव के लिए, डॉक्टर उषा ने जिस तरह से इसका संचालन किया और इस पूरे हमारे कैंपेन के साथ कम्युनिकेशन टुडे के साथ, क्योंकि वो उसकी डिप्टी एडिटर भी हैं, उन्हें जुड़ी हुई हैं और जो सहयोग इनका मिला उसके लिए उनके प्रति भी आभार और शुभकामनाएं कि अपनी यात्रा अमर जारी रहे। अपना अगला इवेंट 11 तारीख को है, 11 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे, उसमें हम फैक्टशाला जो बात आदरणीय राजेंद्र जी ने उठाई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह के ये समाचार प्रसारित हो रहे हैं, तो आजकल ये तकनीक भी आ गई, मैंने आपसे कहा था कि PIB ने अपने फैक्ट चेकिंग का प्रमिशन दिया है वेबसाइट में, तो किस तरह से आप ये फैक्टशाला करके हम 2 घंटे का वर्कशॉप है उसको आयोजित कर रहे हैं, गरिमा श्री यहाँ जनरल से बनाती हैं वो इस वर्कशॉप के लिए, गूगल ने इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसी ट्रेनिंग में वो तैयार होंगी ट्रेनर के रूप में, तो आप में से जिनके लिए भी सुविधा है उसको जरूर कीजिएगा, लिंक उस ग्रुप के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम शेयर कर देंगे। और इन वीडियोज़ को आप कम्युनिकेशन टुडे की वेबसाइट है उसमें इवेंट का हमने एक कॉलम दिया है जी, उसमें जाकर के आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं सुन सकते हैं। एक बार तो हैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, और PRSI रायपुर चैप्टर के सेक्रेटरी संजीव शर्मा जी, मुझे पता नहीं वो यहाँ भी उपस्थित हैं नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति में उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार सभी को जी, नमस्कार, थैंक यू ऑल, थैंक यू। हेलो।